गुड मॉर्निंग गाइस, और बहुत स्वागत है आपका 2019 की पहली वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक इवेंट पोस्ट की थी, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। उसको मैंने पूछा था ये जगह कौन सी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि चित्तौड़गढ़ है। उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और जी हाँ, मैं आज चित्तौड़गढ़ आया हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। तो चलिए आइए घूमते आज चित्तौड़गढ़। तो शुरू होता है आज का सफ़र। यहाँ पे मैंने इस तरह से एक्टिवा रेंट पे लिए, 400 रुपीज़ लगे उसके। जिस होटल में अभी रुका हूँ, कुंभ रिट्रीट, काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं, इन्होंने मुझे अरेंज करके दी। और चलिए घूमते हैं। दोस्तों, अगर मांडव का वीडियो देखा होगा आपने, अगर आपने नहीं देखा, मैं आई बटन में डाल दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा बाद में। जिस तरह वहाँ पे जाने के लिए गेट्स लगते थे, वहाँ पे 4 गेट थे टोटल, उस तरह यहाँ पे भी गेट्स है, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हो। यहाँ पे टोटल 6-7 गेट है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, एंट्रेंस में यहाँ से इस तरह का टिकट लेना पड़ता है, 40 रुपीज़ चार्ज है उसका। अब आगे देखते हैं और क्या। दोस्तों, अभी सबसे पहले मैं जहाँ आया हूँ, जो सबसे पहली जगह यहाँ पे लगती है जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, वो है महाराणा कुंभ। मान्यवर, अभी हम आए हैं मीरा मंदिर। Thank you.
दोस्तों ये है मेरे सामने विशाल का विजय स्तंभ। दोस्तों इस कुंड का नाम है गौमुखी कुंड और ऑसम लग रहा है। अभी हम आए हैं कालिका मंदिर, चलिए आइए अंदर चलते हैं। मान्यवर अभी चित्तौड़गढ़ का जो मेन अट्रैक्शन है पद्मिनी महल जिसे कहा जाता है वहाँ आए हम और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, चलिए आइए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पद्मिनी महल घूम ही रहा था और मेरे ही एरिया के लोग मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा यार। इनका नाम है सर अर्पित, नाम जी अर्पित जी और स्वतंत्र जी, इनका नाम मैं कभी नहीं भूल सकता बिकॉज ये नाम मैंने पहली बार सुना है, बहुत अच्छा लगा। तो आप बेसिकली यहाँ घूमने आए? यस सर, सावरिया सेट आए थे फिर चित्तौड़। अच्छा सावरिया सेट आए, ओके ओके। तो कैसा है चित्तौड़गढ़ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। हिस्टोरिकल प्लेस? हाँ हिस्टोरिकल प्लेस, और खास तो वो पद्मिनी मूवी से थोड़ा ज़्यादा। तो ये जो महल अभी हम आए वो मेन है ना यहाँ? हाँ सर, ये पद्मिनी जी का ही महल। ओके ओके। दोस्तों ये जो ठीक तालाब के सामने आप देख रहे हो ना, ये है पद्मावती जी का मेन महल, जहाँ पे एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो ये नॉच लगे हुए हैं, यहाँ पे मिरर लगे हुए थे सारे, और कहा जाता है कि इन्हीं मिरर में से खिलजी ने पद्मावती को देखा था। और जो मूवी बनी थी, जैसे वैसे तो पद्मावती की जो गाथा है वो किसी मूवी की मोहताज नहीं है, लेकिन मूवी बनी थी और उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी और काफ़ी पंगे हुए थे जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो, और उसी के दौरान ये मिरर उन लोगों ने तोड़ दिए थे यार, बहुत गलत बात। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता था लेकिन अब ताला लग गया, जाना लौट नहीं है, बताया था मैंने मूवी बनी पंगे हुए।
दोस्तों राजस्थान की मेरी फेवरेट चीज़ मैं पहनने जा रहा हूँ, जो ये भैया अभी मुझे पहनाएंगे। भैया घोड़े बिठाओ आपको भैया। हेलो तो अभी हम आए हैं कंकाली माता के मंदिर, ये सामने जो आप देख रहे हो ना। पूरे मंदिर में मैं अकेला हूँ यार। बिट क्रिपी बट कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के मंदिरों में। यार दिस थिंग इज बिट वियर्ड। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ना, पूरी zigzag पता नहीं कैसे भूल भुलैया जैसी दीवारें इन लोगों ने बना रखी है। अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है जो चित्तौड़ से है और अगर उसे नॉलेज है इसके बारे में ये क्या चीज़ है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताए। बहुत अजीब है यार, पता नहीं क्या है ये एक्चुअली में, किस पर्पस से बनाया है ये। ऐसे छोटे छोटे से पैसेजेस। आई एम हैप्पी दैट आई एम अलोन इन दिस प्लेस बट एट द सेम टाइम बिट क्रीपी। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, मैं Q&A करने की सोच रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आपका जो भी मन में सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगा। रैंडमली सिलेक्ट करूँगा मैं कुछ 10-11 सवाल जो मुझे अच्छे लगेंगे और जिनका जवाब देने में मैं कम्फर्टेबल रहूँगा। और चलिए करते हैं Q&A वीडियो। जल्दी जल्दी फटाक से वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना सवाल जल्दी से टाइप करो और पूछो यार जो भी पूछना चाह रहे हो। चलते यार, फिलहाल तो यहाँ से निकलता हूँ मैं। मैं फिर फंस गया पता ये तो। अभी पता है क्या हुआ, मेरी परछाई थी यहाँ पर और मैं बहुत डर गया यार, फट गई मेरी कसम से। पता नहीं बाहर जाने का रास्ता कहाँ से, शायद ये होगा। यही है, यही रास्ता है। थैंक गॉड।
पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ अलग ही शांति यार। आपने देखा कोई भी नहीं था मेरे अलावा पूरे मंदिर में। कंकाली माता के मंदिर के सामने भी एक तालाब है, बट मैं नहीं जाऊंगा, मुझे और भी दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी है अभी, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों अभी हम आए हैं चित्तौड़ के फेमस जैन टेंपल, श्वेतांबर जैन टेंपल कहा जाता है इसे। ये आप जो मेरे सामने देख रहे हो, हम आए हैं प्राचीन नीलकंठ महादेव जी के मंदिर, दर्शन कर लेते हैं। पर यह है मेरे सामने कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के ठीक बगल में भी एक जैन मंदिर है, लकीली वो अभी खुला है तो हम अंदर जा सकते हैं। कीर्ति स्तंभ के यहाँ पे अगर देखो तो आप यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है इस तरह से, आप अंदर जा सकते हो आखिरी मंजिल तक, ऊपर तक, बट अभी ताला लगा हुआ है तो नहीं जा सकते। दोस्तों यही पे ख़त्म होता है हमारा सफ़र चित्तौड़गढ़ का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस।